हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग खुद ही जानते हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से भारतवर्ष में हो रहे संचालित और विकास परियोजनाओं व धार्मिक स्थलों पर हो रहे जो विकास कार्य हैं उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपसे बात करेंगे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में, जिसकी जिम्मेदारी विशिष्ट क्षेत्र के लोगों पर हो चुकी है। आज हम इसी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। दोस्तों, बाबा दरबार में गंगाधर तक का जो क्षेत्र एकाकार करने के लिए बनाया जा रहा है, वो कॉरिडोर व्यवस्था श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी हो चुकी है और वहाँ का जो संचालन है और रख रखाव जिसके लिहाज से है, कॉरिडोर पूर्णतया उसका स्वावलंबन करेगा। शासन से बिना कोई बजट लिए इसका शाखा खींचने के लिए कंसल्टेंट कंपनी का भी चयन भी किया जा रहा है। अभी फिलहाल इसे कंसल्टेंट करने के लिए कंसल्टेंट कंपनी को चयन किया जा रहा है। अब कंपनी ही तय करेगी कि भवनों को लीज या किराए पर देना है। ये जिम्मेदारी कंसल्टेंट कंपनी के लिए हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ का जो कार्य है वो कितना हुआ है। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर अगर किसी तरह से विवाद से मतलब बचना है, बचने के लिए जो निर्माणाधीन भवनों की जो पैमाइश कराया जा रहा है, पैमाइश करके मानचित्र व अभिलेख तैयार किया अभी जा रहा है, वो क्योंकि इसलिए क्योंकि इसको लेकर के कोई भी विवाद ना हो जाए, कोई भी लफड़ा वगैरह ना हो जाए, उसी के लिए उससे से बचने के लिए निर्माणाधीन भवनों को पैमाइश कर मानचित्र व अभिलेख पर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्व विभाग और इसकी जो पुष्टि कर अभी अभिलेखीकरण किया जा रहा है और अभी फिलहाल अभी किया जाएगा और इस बात पर अभी चर्चा हो रही है कि कैसे इसे निर्धारण हम लोग करें, कैसे निर्धारण पाया जाए, इसी बात पर अभी पुष्टि सब लोग कर रहे हैं। इसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और न्यास की ओर से जो खरीदे गए भवन थे अब अलग अलग अभिलेख होंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी है अब वो न्यास पे ही हो चुकी है और न्यास पूर्वतः ही मंदिर में पूजन और पद्धति प्रथा पर और परंपरा पर स्वयं अपनी नज़र बनाए रखेगी। तो अब जो भी पूजा परंपरा परिस्थिति वहाँ की मंदिर में जो भी होगा अब उस पर न्यास का पूर्वतः नज़र होगा। दरअसल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तृतीकरण व और सुंदरीकरण परियोजनाओं के तहत बाबा दरबार से सीधे गंगा घाट तक कॉरिडोर को दिशा में कार्य शुरू होने के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट विकास क्षेत्र में परिषद 2018 में इसे गठन किया गया था, यानी कि ये 2018 से बन रहा है। अब भवनों की जो खरीद है, निर्माण कार्य व परिषदि की देख रेख में ही कराया जा रहा है और अभी फिलहाल तो जैसे तैसे भी वही चल रहा है। और वहीं आपको ये बता दें कि 1983 में मंदिर के अधिग्रहण के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और साथ ही साथ न्यास और न्याय कार्यपालिक समिति गठन विधायी पद्धति व प्रथा परंपरा पर अब नज़र रखने की जिम्मेदारी अब इसे दी गई है, जैसा कि हम आपको अभी पहले बताए हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रारूप रूप से जो कार्यपालिक और समिति के पास जो कि न्याय की ओर से पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है अब वो काशी विश्वनाथ मंदिर विशिष्ट क्षेत्र के विकास परिषद के मुख्य जो कार्यपालक हैं अधिकारी संयुक्त उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और फिलहाल में जो अभी हैं वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो कि वहाँ के विशिष्ट और कार्यपालक हैं। अभी फिलहाल में उन्हीं की जिम्मेदारी है, वहाँ की पूरी कॉरिडोर की जिम्मेदारी उन्हीं को है। दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो मनसा के अनुरूप श्रद्धालुओं को अब दर्शन करना बहुत ही सुगम होगा, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन करके अब जल्द ही तैयार होने वाला है। और जब भी लोग इस कॉरिडोर में आएंगे, ठहरेंगे और थकान दूर करेंगे तो वो
श्री नरेंद्र मोदी को जरूर याद करेंगे कि कितना आराम दिए हैं लोगों के लिए, कितना सोचे हैं और यहाँ कितना विकास किए हैं। हर एक के जबान पे मोदी जी का नाम तो पक्का रहेगा जब उन्हें थकान से दूर और आराम मिलेगा पहले से ज़्यादा, जो कि लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे। इसी दृष्टि से व्यवस्था अभी बनाई जा रही है। कॉरिडोर के लिए 316 भवन खरीदे गए हैं और उन्हें ध्वस्त करके श्रद्धालुओं को सुविधा का आकार दिया जा रहा है। बाद में किसी तरह के विधान से बचने को अभिलेख दुरुस्त किया जाना है, मतलब कि अगर बाद में इस सब चीज़ों को लेकर के कोई भी व्यवधान होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, उसी के लिए अभिलेख अभी दुरुस्त किया जाना अभी बाकी है। उसके बारे में भी फिलहाल अभी जल्दी सोचा जाएगा। उसके बाद ये जो कॉरिडोर है उसके अगल बगल और पूरी ज़मीन को एक चहरदीवारी बनाकर उसे सुरक्षित किया जाएगा। दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो कार्य आप देख सकते हैं, यानी कि ये जुलाई अभी तक 65% काम हो चुका है और साथ ही आप देख सकते हैं कि निर्माण पूर्ण होने की नई डेडलाइन नवंबर तक दी गई है इसकी। वैसे अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो अब तक ये बन करके रेडी हो चुका होता, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये सब सारा जो कार्य है बहुत ही धीमी गति से चल रहा था और जिसकी वजह से अभी कार्य देख सकते हैं कि कुछ यहाँ 65% हुआ है, लेकिन 15 नवंबर तक इसकी डेडलाइन दी गई है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो अपने टाइम पर पूरा हो जाएगा। अब तक गंगा घाट पर जो जेटी का काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है और अब देख सकते हैं कि फिनिशिंग का काम भी शुरू हो चुका है। वहीं धाम के जो क्षेत्र में 23 से 19 इमारतों पर कार्य अभी चल रहा है। इसमें से आप मंदिर, चौक, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, मुमुक्ष भवन और कुछ दुकानों के ढांचे का काम भी पूर्ण हो चुका है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ढांचा अभी तैयार हुआ है, ये मत सोचिएगा कि पूरा फिनिशिंग हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है इस वीडियो में, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मंदिर परिसर में गर्भगृह से लगा हुआ जो बैकुंठ मंदिर और दंडपाणी से के साथ ही साथ तारकेश्वर और रानी भवानी मंदिर अभी रहेगा। इस कॉरिडोर में 34 फीट ऊंचाई वाले 4-4 गेट होंगे, यानी कि जो गेट की चौड़ाई होगी, जो उसकी ऊंचाई होगी वो 34 फीट ऊंचाई होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े बड़े गेट लगेगी, तो बहुत बड़ा कॉरिडोर भी तो है, सही बात है। इसके लिए इसके अलावा जो मंदिर का जो मुख्य परिसर में पत्थर लगाने का भी काम चल रहा है, तो उसका भी जो वीडियो है वो जल्द ही आएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पत्थर उसमें लगाए जा रहे हैं, तो उसका जो स्वरूप है कैसा लगेगा और पत्थर लगने के बाद कैसा दिखेगा, आपको ये वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ललिता जो घाट पर रैप बिल्डिंग और कैफेटेरिया और ब्लॉक साहब का जो काम है वो प्रस्तावित हो चुका है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में माँ अन्नपूर्णा और माता पार्वती के विग्रह को हटा करके तारकेश्वर मंदिर परिसर में भी रखा गया है, क्योंकि दोनों जो मंदिर थे बहुत काफ़ी प्राचीन थे, बहुत ही ज़्यादा पुराना होते हैं और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा वो जर्जर हो गए थे। अगर इसे टाइम पर नहीं हटाया जाता तो एक दिन ना एक दिन बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए उसे हटा करके मंदिर परिसर में रखा गया है और उसको वापस उसी स्थान पर मंदिर बनने के बाद जीवोद्वार के बाद स्थापित किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि आकार लेने लगा है और इसका जो रूप है उसका स्वरूप अब निखर के सामने आने लगा है। धाम के जो 12 भवनों के लिए संचालक UV मॉडल अपनाया जाएगा और साथ ही साथ मंदिर से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी आप लोग को। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो मेरी कैसे लगी? वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो आए उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम इस तरीके से
हो रहे धार्मिक स्थल और भारत में हो रहे विकास परियोजनाओं पर वीडियो हमारा निरंतर आता रहता है और कॉरिडोर का भी लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा लगातार। तो आप लोग बस इससे जुड़े रहिए और मेरी हर वीडियो पर बने रहिए और मेरे माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों मिल